हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के कटलेट। तो उसके लिए मैं क्या क्या सामान चाहिए देख लीजिए। ये मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, मैंने बॉईल किए आलू लिए हैं, छोटा छोटा कट कर लिया है, गाजर लिए कद्दूकस की हुई, थोड़ी मैंने बंद गोभी ली है, थोड़ा सा मैंने मटर लिए हैं और यहाँ एक कटोरी बेसन लिया है जिसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने 6 ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं, इसको हम इसको कटर की सहायता से कट करेंगे। और ये कुछ मसाले देख लीजिए, लाल मिर्च पाउडर, हींग, अमचूर, हल्दी, नमक, जीरा, और ये मैंने 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है, धनिया पाउडर, अदरक कद्दूकस की हुई, धनिया पत्ती कटी हुई, हरी मिर्च 1 छोटी कटी हुई और कसूरी मेथी ली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देख लीजिए आप, ब्रेड को हमें इस तरह से कट करना है, इस तरह एकदम कोने में लगाएंगे इसको ताकि दूसरा पीस साइड से निकल जाए। इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। आपके पास अगर कुकी कटर नहीं है तो किसी भी गोल कटोरी या किसी भी साइज से आप कटर कर सकते हैं, आसानी से कट हो जाती है। ये देखिए इस तरह दूसरी साइड निकाल लेंगे। साइड हमारी तैयार होगी। इसी तरह हम सारे ब्रेड कट कर लेंगे और ये जो किनारी बचेंगी इसका हम ब्रेड क्रम बना लेते हैं। इसी तरह मैं सारी तैयार करके रख लेती हूँ। तो ये देखिए, पहले हम इसका पेस्ट तैयार करके रख देते हैं। इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला, थोड़ी सी हल्दी और नमक, क्योंकि हम ज़्यादा मसाले तो स्टफिंग में डालेंगे, इसमें सिर्फ नमक डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका पेस्ट बनाएं ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। बैटर हमारा रेडी है, हमें इसको थोड़ा पतला पेस्ट बनाना है। देखिए इस टाइप का। अब हम इसको साइड में रख देते हैं 10 मिनट के लिए कि अच्छे से फूल जाए। जब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने पैन गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे जीरा, अदरक इसमें डाल देंगे, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, हल्दी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची डाली इसलिए हम कम ही डालेंगे। गैस का फ्लेम सिम रखें क्योंकि सूखे मसाले हैं सब। अब इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे, गाजर डाल दिया ने, गोभी, हरी मटर, आलू बाद में डालेंगे क्योंकि हमने आलू बॉईल लिए हैं, तो 2 मिनट पकाएंगे ताकि थोड़ा पक जाए, इनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। इसको 2 मिनट इसी तरह से पका लेंगे ना के। देखिए इसको मैंने 2 मिनट पका लिया है, इसमें डाल देंगे आलू, मसाले, गरम मसाला और पाव भाजी मसाला, अमचूर,
और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और ये धनिया पत्ती भी डाल देंगे इसमें, सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को थोड़ा मैश कर लेंगे ताकि स्टफिंग जो थोड़ी बंदी हो जाए। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। स्टफिंग हमारी रेडी है, गैस बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए मैंने सारे कटिंग कर ली है, अब हम इसमें इस तरह से स्टफिंग भर देंगे। थोड़ी थोड़ी स्टफिंग डाल देते हैं। देखिए सब पे इस तरह से मैंने स्टफिंग भर दी है। अब इसके ऊपर दूसरे वाला पीस इस तरह से रख के थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि इसे चिपक जाए सब पे इसी तरह से। अच्छे से प्रेस कर दें। इस तरह गोल हमारा रेडी है और ये हमने ब्रेड क्रम रेडी कर लिए हैं। इसको इस तरह से प्रेस करके इसे डिप करेंगे। बाद इस तरह से ब्रेड क्रम लगा देंगे इस पे। जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम उसको झाड़ देंगे। सारे पीसेस हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। इस तरह प्रेस करेंगे, डिप करेंगे और ये ब्रेड क्रम इस तरह से लगा देंगे इस पे। स्टार्च हट देंगे। तो मैं इसी तरह से सारे रेडी कर लेती हूँ। देखिए पैन हमारा गर्म है, अब हम इसमें इस तरह से डाल देंगे आराम से। गैस को तेज करके इसका फिर फ्लेम सिम कर देंगे ताकि क्रिस्पी बने। धीरे से दोनों साइड से इस तरह से पलट पलट के सेकेंगे इसको ताकि एकदम क्रिस्पी बन जाए। फ्रेंड्स हमारे कटलेट रेडी हैं।
अब मैं इनको निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर पे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इस तरह से देखिए कितने सुंदर बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। हमारे सारे रेडी हो गए हैं, मैं निकाल लेते हैं इनको। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे रेडी हैं स्नैक्स बनके। कितने सुंदर कटलेट बने हैं, एकदम क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इसे किसी भी पार्टी में सर्व कर सकते हैं। टी टाइम बहुत अच्छा स्नैक्स है, आप ज़रूर मेरी रेसिपी का ट्राई करें, बहुत ही सिंपल और ईजी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।